रहीम, वेलकम टू ब्यूटी आर्ट एंड होम। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ एक बहुत मज़े की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। रेसिपी का नेम है चिकन और पोटैटो के कटलस, और ये चीज़ी कटलस बनेंगे। और बहुत ही बेसिक मैं रेसिपी आपको दे रही हूँ, और आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग इसको ऑल्टरनेट कर सकते हैं। तो आज की रेसिपी में जो इन्ग्रीडियंट्स हैं उनको नोट डाउन कर लें। सबसे पहले ये मैंने हाफ चिकन ब्रेस्ट ली थी, और इसको मैंने गिलाकर पानी में और इसके रेशे कर लिए हैं, ठीक है। और तीन मीडियम मैंने पोटैटोस लिए थे, आलू लिए थे, उनको बॉईल करके उनको भी मैश कर लिया है। उसके बाद जी इस रेसिपी में 2 टेबलस्पून मायोनीज जाएगी, थोड़ा सा घी, स्प्रिंग अनियन जाएंगे, हरा प्याज, और इनको फ्लेवर देने के लिए इसको इसके अंदर चीज़ जाएगी। फिर जी 2 टेबलस्पून चिली सॉस जाएगा, थोड़ी सी हम इसमें वाइट पेपर ऐड करेंगे, एग जाएगा कटलेट्स की फ्राइंग में, और मसालों में जाएंगे 1/2 टेबल स्पून कुटी हुई मिर्च, 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर पिसा हुआ, और 1/2 टेबल स्पून नमक। चले चलते हैं रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब चीज़ों को हम एक बाउल में ऐड कर लेते हैं। चिकन स्प्रिंग अनियन है, बाकी जी इसमें जो चीज़ है वो जाएगी, और ये मायोनीज डाल रही हूँ और चीज़, चिली सॉस जाएगा, और बस थोड़ी सी वाइट पेपर जाएगी। अब इस बैटर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जी तो मसाला माशाल्लाह से बहुत अच्छी तरह मिक्स हो गया है। अब हम इसके कटलेट्स बना लेंगे। आप राउंड शेप में बना सकते हैं, स्क्वायर, अपनी मर्जी के मुताबिक। और ये मैं आपको बेसिक रेसिपी दे रही हूँ, आप इसको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग वेरिएशन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप वेजिटेबल्स जो आपको पसंद है, सीजनल वेजिटेबल्स, उनको बॉईल करके इसके अंदर डाल सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, ठीक है। तो इस तरह के हम कटलेट्स तैयार कर लेंगे, और उसके बाद फिर हम इसको एग की कोटिंग करके फ्राई कर लेते हैं, और फिर हम आपको इसका एंड रिज़ल्ट दिखाते हैं। जी तो एंड रिज़ल्ट देख लें, कटलेट्स मैंने फ्राई कर लिए हैं, तो ये बहुत ही यम्मी बने हैं, बहुत टेस्टी बने हैं। अपने घर में ज़रूर इनको ट्राई कीजिएगा, मुझे फीडबैक दीजिएगा। हमारे चैनल ब्यूटी आर्ट एंड होम को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।